सबसे पहले मैं देश की रक्षा में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी वीर शहीदों को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों को भी नमन करता हूं। एक बात बार बार कही जाती है, शहीदों के परिवार को केवल संवेदनाओं से संतोष नहीं दिया जा सकता, बल्कि सरकार और समाज मिलकर ऐसे ठोस उपाय करें जिससे वो भविष्य की चुनौतियों का भी सफलतापूर्वक सामना कर सकें, सुविधा और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। मैं इंडस टावर्स लिमिटेड का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शहीदों के आश्रितों के लिए डिजिटल स्किल के डेवलपमेंट का कार्यक्रम आज शुरू किया है। मुझे लगता है कि आज का दिन हम सबके लिए एक संकल्प का दिन है कि शहीद परिवारों को कोई तकलीफ न हो, आज इस बात का हमें संकल्प लेना चाहिए।